यह है अगारो एलिगेंट 400 वॉट वेजिटेबल चॉपर। अगारो का ये वेजिटेबल चॉपर तीन पार्ट में आता है। यह है इसका 500 ml का बाउल जो कि ट्रांसपेरेंट पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है। क्वालिटी काफी प्रीमियम है। यहाँ पर हमें मार्किंग भी देखने को मिल जाती है जिससे आप मेजर कर सकते हो कितनी क्वांटिटी आपने ऐड की है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा इसके साथ हमें स्टेनलेस स्टील से बने हुए ट्विन ब्लेड दिए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शार्प ब्लेड है। यहाँ पर इसके ऊपर प्रोटेक्शन कवर लगा हुआ है। जब आप इसे यूज़ करोगे तो ये प्रोटेक्शन कवर इजीली इस तरह से आप रिमूव कर सकते हो। और ये है इसकी मेन यूनिट। यहाँ पर अगारो की ब्रांडिंग दी गई है। फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया है। ABS प्लास्टिक से बनी हुई इसकी बॉडी है। वेट है केवल 1.7 किलोग्राम। ऊपर की साइड एक बहुत बड़ा टच बटन दिया गया है जिससे हम इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके अंदर 400 वॉट की पावरफुल मोटर दी गई है जिसके अंदर कॉपर की बाइंडिंग है। पूरी तरह से कॉपर से बनी हुई बाइंडिंग है। इसे यूज करना और असेंबल करना बहुत ही आसान है। बाउल के अंदर आपको इसका ब्लेड लगा देना है, ब्लेड को इस तरह से रख देना है, उसके बाद इसके कवर को यहाँ पर रख देना है और जो इसकी मेन मोटर है उसे हमें इसके ऊपर रख देना है। ये अटैच हो गया, असेंबल हो गया। इसके अलावा नीचे की साइड एंटी स्किड रबर दी गई है जिससे जब हम इसे यूज कर रहे हो तो स्लैब पर ये इधर उधर खिसकेगा नहीं, आराम से ये स्टेबल रहेगा। ऊपर की साइड एक बहुत बड़ा बटन दिया गया है, इसे आपको टच करना है, दबा के रखना है, ये ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा केबल की लेंथ भी काफी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। इसकी क्वालिटी भी मुझे काफी बढ़िया लग रही है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें इस ट्विन ब्लेड को यहाँ पर सेट कर देना है। ये हमारा ब्लेड यहाँ पर लग गया है। के बाद हमें प्याज को इसके अंदर डाल देना है। प्याज को आपको छोटे छोटे पीसेज में काट लेना है, पूरा प्याज इसके अंदर नहीं डालना है। तो मैंने सारा इसके अंदर भर दिया। उसके बाद ये जो कवर है इसे हम यहाँ रखेंगे और जो इसकी मेन मोटर है उसे हमें इसके ऊपर रख देना है। बस ये हमारा काम हो गया, पूरी तरह से ये तैयार हो गया है। अब हम इसके प्लग को लगा देंगे अपने पावर सॉकेट पर। अब ये पूरी तरह से तैयार हो गया है। ऊपर जो बटन है उसके ऊपर हम टच करके रखेंगे तो आप देख सकते हो इसने कुछ ही सेकेंड के अंदर हमारी प्याज को बहुत अच्छे से चॉप कर दिया है। आप और भी ज़्यादा बारीक करना चाहते हो तो आप और थोड़ी देर इसे चला सकते हो तो ये और भी ज़्यादा बारीक हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर चॉपिंग हो रही है, बहुत अच्छे से यहाँ पर हमारा प्याज चॉप हो गया। इसी तरह से आप किसी भी वेजिटेबल को चॉप कर सकते हो, इतने अच्छे से इसने इसे चॉप कर दिया है। तो क्वालिटी अगर हम देखें तो बहुत अच्छी क्वालिटी है और इसका जो बाउल का साइज है वो भी काफ़ी बड़ा साइज यहाँ मिल जाता है। और इसे क्लीन करना बहुत ही आसान है, आप पानी से इसे धो सकते हो। मैंने यहाँ पर इसे पानी से वॉश कर लिया है, उसके बाद कपड़े से हम इसे साफ़ कर लेंगे और साफ़ करने के बाद आपको इसे आराम से जहाँ भी आपको स्टोर करना हो तो इसे आपको पूरा असेंबल करके अपना स्टोर कर देना है। ये ब्लेड लगाने के बाद, कवर लगाने के बाद, मोटर लगाने के बाद इसकी जो केबल है इसे इसके चारों तरफ लपेट देना है और आप इसे स्टोर कर सकते हो। तो अगारो का ये चॉपर मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो इसका बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।